बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस सिलसिले में आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के 2014 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 1 + 2y² dy इज इक्वल टू वाई कॉज एक्स डी एक्स। जैसा कि आपको मालूम है कि इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करते हैं और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो जो हमारा पहला जो स्टेप है वो यही है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो वो बनेगा, अब जहाँ 1 + 2y² पहले से ही है और y इधर आ जाएगा और डी वाई होगा, उधर फिर क्या होगा? उधर वो बस सिर्फ y ही इधर रह गया ना, बाकी वेरिएबल सारे सेपरेटेड थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन करनी है 1 + 2y² ओवर y डी वाई इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आप अगर डिवाइड कर दें 1/y + 2y² / y dy और ये कॉस एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा 1/y + 2y dy इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स जी। इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉग वाई, इसकी आ जाएगी 2y² / 2। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स ही होती है। तो बस ये आपके पास आंसर आ गया, लॉग वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं है, इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी इन्वॉल्व है और उसने कह रखा है कि आपने इनिशियल वैल्यू सॉल्व करनी है। एक कंडीशन उसने दी हुई है, इसको यूज़ करते हुए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कंडीशन आपको पता होना चाहिए, वाई ऑफ 0 1 का मतलब क्या है? एक्स 0 और वाई 1। तो पुटिंग एक्स इज इक्वल 0 वाई इज इक्वल टू 1, पुटिंग एक्स इज इक्वल 0 वाई इज इक्वल टू 1 इन 1। तो यहाँ आ जाएगा लॉग 1 + 1² और साइन 0 + c। लॉग 1 0 होता है, प्लस 1, साइन 0 0 और c। तो c की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ये आप c की वैल्यू 1 पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास आ जाता है लॉग वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। दिस गिव्स यू द सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। यहाँ आपने इनिशियल कंडीशन को यूज करते हुए कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी फाइंड की जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व डी वाई डी एक्स प्लस 1 - y² / 1 - x² / 2 = 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? पहले वेरिएबल सेपरेट करने हैं और उससे पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें। डी वाई डी एक्स प्लस ये किस बराबर आ जाएगा? 1 - y² / √1 - x² / 2 = 0। नेक्स्ट स्टेप है सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स जी। ये आ जाएगा 1 - x² बल्कि इस तरह करना ना, डी वाई ऊपर ही रहेगा, 1 - y² √+dx/, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही साइड पे रहते हुए भी आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। 1 - y² √ इसी तरह आ जाएगा, डी एक्स उधर चला जाएगा। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करें, डी वाई ओवर 1 - y² √+dx/1 - x² √ = 0। आती है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है फार्मूला जी बताएं?
शाबाश, साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसमें चूंकि इनिशियल कंडीशन साथ नहीं दी हुई तो आंसर जो है वो इसी फॉर्म में रहेगा। सी की वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकेगी क्योंकि एक्स्ट्रा कंडीशन कोई साथ नहीं दी हुई। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यू प्लस टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। सबसे पहला काम क्या है? सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो डी वाई ओवर वाई क्यू प्लस टू वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। अब जारी बात है इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी भी करनी है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू और उधर एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री। बताएं अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे और इसकी कैसे करेंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर वन कर लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन बनाए बगैर तो नहीं होगी, ठीक है? तो नेक्स्ट कंसिडर वन ओवर वाई इंटू वाई स्क्वेयर प्लस टू, ये आ जाएगा ए ओवर वाई, सॉरी ये आएगा ना ए ओवर वाई प्लस बी वाई प्लस सी ओवर वाई स्क्वेयर प्लस टू। क्या ख्याल है, यही आएगा कि नहीं? ये लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसके फर्दर फैक्टर्स नहीं बनते, यही लिखेंगे। इसके बाद एलसीएम लेते हैं अगर इसका, तो वाई इंटू वाई स्क्वेयर प्लस टू ए इंटू वाई स्क्वेयर प्लस टू प्लस बी वाई प्लस सी इंटू वाई, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है वाई इंटू वाई स्क्वेयर प्लस टू, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया वन इज इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्वेयर प्लस टू प्लस बी वाई प्लस सी इंटू वाई। ये इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है? क्या करना है अब? आप y इज इक्वल जीरो पुट करें तो एक वैल्यू तो निकली आएगी। पुट y इज इक्वल जीरो इन थ्री, इसकी वजह से, क्यों भाई है ना, इसको जीरो पुट करें तो ये आती है वन इज इक्वल टू a इंटू जीरो प्लस टू प्लस जीरो, यहाँ से आ जाएगा टू a, और a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? वन बाई टू। एक कॉन्स्टेंट निकलाया, दूसरे के लिए कोएफिशिएंट्स ही कंपेयर करने पड़ेंगे। इक्वेशन नंबर थ्री को रीराइट करें, वन इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई, ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस टू ए। और कोएफिशिएंट्स किस किस के कंपेयर करें? अगर y का कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो c इज इक्वल टू जीरो आता है और a प्लस बी जीरो आता है, ठीक है? तो ये y स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो a प्लस बी जीरो, y का कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो c जीरो। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या निकलती है? माइनस a, और वो निकलती है माइनस वन बाई टू। बी की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ गई और सी की वैल्यू आ गई मेरे पास ज़ीरो। ये अब चेक करते जाइएगा सारा कुछ, सी की वैल्यू ज़ीरो ही आती है। तो ये वैल्यू जो हैं आप इक्वेशन नंबर टू में पुट करते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन टू, टू में पुट करते हैं तो आता है वन ओवर वाई इंटू वाई स्क्वेयर प्लस टू। ए की वैल्यू क्या थी? वन ओवर टू डिवाइडेड बाई वाई,
और b की वैल्यू क्या है, माइनस वन बाय टू y ओवर y स्क्वायर प्लस टू। असल में तो इंटीग्रेशन करनी है ना, तो अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं हम, वो आया डी वाई ओवर वाई इंटू वाई स्क्वेयर प्लस टू, इधर आ गया वन बाई टू डी वाई ओवर वाई, इधर आ गया माइनस वन बाई टू वाई डी वाई ओवर वाई स्क्वेयर प्लस टू। इसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगी, लॉग वाई आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन के लिए वाई स्क्वेयर प्लस टू का डायरेक्टिव होना चाहिए, तो वो टू वाई होना चाहिए, तो टू से दोबारा हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। यानी आ गया आपके पास डी वाई ओवर वाई इंटू वाई स्क्वेयर प्लस वन, वाई स्क्वेयर प्लस टू था, इज इक्वल टू वन बाई टू डी वाई ओवर वाई माइनस वन बाई फोर हो जाएगा टू वाई डी वाई ओवर वाई स्क्वेयर प्लस टू। इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी वन बाई टू लॉग वाई माइनस वन बाई फोर लॉग वाई स्क्वेयर प्लस टू। अभी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना लगाएं, क्योंकि बेसिकली तो हम इनको सॉल्व कर रहे हैं ना, देखते हैं उसकी क्या सिचुएशन होती है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर टू कर लेते हैं। नेक्स्ट इसका इसको कंसिडर करें, टू नहीं, अब तो इक्वेशन कौन सी चल रही है, फोर। तो नेक्स्ट आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसके वैसे पार्शियल फ्रैक्शन बड़ी आसानी से बन जाएंगे, आपको वो नहीं करना पड़ेगा, ए और बी नहीं लेने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट कंसिडर करते हैं इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री। इसको अगर मैं सिर्फ यही लिख दूँ ना एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स, तो मेरे पार्शियल फ्रैक्शन बन जाते हैं। देखें क्या किया मैंने, इस फैक्टर में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, थ्री बचेगा, थ्री बचना नहीं चाहिए था, ऊपर वन है, ऊपर वन है ना, थ्री फालतू जो बचा है उसे बैलेंस कर रहे थे, तो वो ए और बी नहीं करना पड़ेगा। क्या किया मैंने, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो वन बचना चाहिए था ऊपर, वो तो थ्री बच गया, थ्री को बैलेंस कर लिया। अब ये वाला एक्सप्रेशन दोनों इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, सिंपलीफाई करो, एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, थ्री रह जाएगा, थ्री इंटू थ्री ओवर थ्री कट गए, वन रह जाएगा, सिर्फ ये बाकी आ जाएगा इसमें। अच्छा जी, अब क्या है, वन बाई थ्री एक्स प्लस थ्री ओवर इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस थ्री डी एक्स, ये कटा ये कटा, ये वन बाई थ्री इंटीग्रल वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस थ्री। इसकी तो इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से होनी जाएगी, लॉग एक्स माइनस वन बाई थ्री लॉग एक्स प्लस थ्री। अब अगर बड़े गौर से देखें तो सारे एक्सप्रेशन लॉग में आ रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग में लिख लिया, प्लस लॉग सी। हमने यहाँ तक पहुँचे थे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की भी इंटीग्रेशन कर ली है पार्शियल फ्रैक्शन बना के, राइट हैंड साइड की भी इंटीग्रेशन कर ली है पार्शियल फ्रैक्शन बनाए बगैर। इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन में, putting these values in one। जब आप वन में पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आती है वन बाई टू लॉग वाई माइनस वन बाई फोर
square plus 2 is equal to 1 by 3 log x minus 1 by 3 log x plus 3 plus log c. अब log को cancel करने के लिए ये आ जाएगा आपके पास log under root y minus log y square plus 2 की power 1 by 4. इधर आपके पास क्या आ जाएगा log x की power 1 by 3 minus log x plus 3 की power 1 by 3 plus log c. तो अब log सारा इकट्ठा कर रहे हैं अगर आप, यहाँ से क्या बनेगा log अंडर रूट y ओवर y square plus 2, इधर क्या बनेगा log c x की power 1 by 3 ओवर x plus 3 की power 1 by 3. log log से कैंसिल हो गया और एक्सप्रेशन आपके पास आ गया अंडर रूट y ओवर y square plus 2 c x की power 1 by 3 ओवर x plus 3 की power 1 by 3. ये था इसका सॉल्यूशन और आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो रहा है, तो आगे चल के कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी आएंगे जिनकी इंटीग्रेशन इतनी आसानी से नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है.